नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपई सोरेन द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन तथा परिसंपत्ति वितरण 16 जून को गांधी मैदान मानगांव में किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल ने किया। मौके पर उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, सिटी SP श्री मुकेश कुमार नलायत मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण, कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था, लाभुकों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता, चलंत शौचालय, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस की उपलब्धता, आवश्यक जगहों पर बैरिकेडिंग के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने भीषण गर्मी को देखते हुए पंडाल के अंदर विभाजित सभी जोन में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण किया जाना है, उनके बैठने की व्यवस्था, सुगम आवागमन, पार्किंग आदि की पुनर्समीक्षा कर तैयारियों को मूर्त रूप दें। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सभी संबंधित विभाग अपने स्तर से तैयारी पूरी कर लें। माननीय मुख्यमंत्री के आगमन पर जिले में सुगम यातायात व्यवस्था, सुनारी हवाई अड्डा से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से सभी आवश्यक तैयारियों की दुरुस्त करने का टास्क पदाधिकारियों को दिया गया तथा स्तर पर पूरे समीक्षा का निर्देश दिया गया। मौके पर DTO श्री धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री पंचानन उराव, नगर निकाय के पदाधिकारी, थाना प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री सरकार आगमन जमशेदपुर जिला में 16 तारीख को होने वाला है। उसके लिए गांधी मैदान में मानगो क्षेत्र में सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। आज उसकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए और उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी तरीके से सभी एमिनिटीज सुनिश्चित की जा रही है। शौचालय, पानी इत्यादि तक सभी आम जनता के लिए जो भी उनका कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे और यहाँ पर योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा जो कि मोर देन 100 करोड़ की रहेगी। कितने बजे प्रोग्राम शेड्यूल है सर? प्रोग्राम लगभग 3 बजे के बाद शेड्यूल्ड है। उसका फाइनल प्रोग्राम अभी हमें प्राप्त नहीं है, जैसे ही प्राप्त होगा तो वो सार्वजनिक किया जाएगा। मानगो में ये यहाँ पर रोड जो है वो संकीर्ण है, तो उसको लेते हुए हम लोग सारा ट्रैफिक जो है वो डिमना और परसुडी की तरफ से उसको डाइवर्ट करेंगे। जो लोग हैं जिनके यहाँ पर आवास या फिर दुकानें हैं, सिर्फ उन्हीं को आगमन होगा, बड़े व्हीकल्स यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। उसका एक डिटेल रूट प्लान जो है वो न्यूज़पेपर में सार्वजनिक किया जाएगा। पार्किंग के लिए स्वर्णरेखा घाट में जो दूर दराज के इलाकों से लोग आएंगे वहां पर भी पार्किंग की जाएगी और साथ ही साथ यहां आगे एक स्कूल है उसमें भी पार्किंग एरिया उपलब्ध है, वहां पर पार्किंग की जाएगी। वहां से लोगों को पैदल यहां पर स्थल तक आना होगा, उसके बाद कार्यक्रम के पश्चात यहां से अपने पार्किंग स्थल से गाड़ी लेनी होगी। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।